हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी का सत्तादेश है। कहीं भी किसी पर कोई भी जनता हमारी किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कि कोई बगैर छत का ना रहे। रैन मिश्रा इसीलिए बनाए गए हैं कि सबको आप जाके बराबर लिटाइए कि उस सर्दी से किसी को दिक्कत ना हो। ठीक, भोजन के लिए आपको जरा सी दिक्कत लगे एक कॉल करिए, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ के पास हैं, अगर सारे राइट हैं, कोई भूखा ना सोए। कोई दिक्कत है भैया फोन करो, दिक्कत ना हो। ठीक, भोजन के लिए आपको जरा सी दिक्कत लगे एक कॉल करिए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ के पास है, अगर सारे राइट है, कोई भूखा ना सोए। कोई दिक्कत है भैया फोन करो, आपने दिखता है वो मतलब बाहर ही है और आज यहाँ रुकी रात में, आपका फर्ज है उसको आप यहाँ लिटाइए, खिलाइए, पिलाइए, सुलाइए। ओके, कहीं कोई दिक्कत है हमको फोन करिए। मैंने देखा कि यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, उनका लगाई जब भी दोस्त आए, बाकी मैंने कर्मचारियों को टैग किया है, किसी को भी किसी जनता को दिक्कत नहीं हो रही है। ये अलाव की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई? अलाव रात आने के बाद में करीब 10-12 जगह गिर रहे हैं, जहाँ पर जो जरूरत है मेन चौराहे हर जगह गिर रहे हैं। सर्दी अगर बढ़ेगी तो गली गली हर जगह गिरेगी। क्या भैया ये पालिका के क्षेत्र छोड़ के या कोई भी मतलब पंचायत का लोग आ सकते हैं? पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है, किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो ये हम लोग का नैतिक दायित्व है, हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम आपको उठा के ले जाएं और उनको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, अच्छे से सुलाएं। हमारी और तुम्हारी वजह से या किसी दैविक आपदा वजह से किसी की जान ना जाए और कोई बीमार ना हो, अजान ना हो, ये हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। नेताजी खाने की यहाँ पे जो रात्रि विश्राम करते हैं, अचानक अगर कोई बाहर से आ गया, अगर यार रह रहा है तो उसके खाने की क्या व्यवस्था है? तत्काल व्यवस्था के लिए यही है कि अगर मान लो 12 बजे पहले है तो ढाबे खुले हुए हम लोग मंगवा खिलाएंगे, और अगर लेट लपेट आता है उसके बाद भी अगर कोई आता है 12-1-2 बजे आता है, मान लो सुबह रेस्टोरेंट नहीं खुले, भाग ढाबे नहीं खुले हुए हैं, तो हम उनके लिए व्यवस्था रखे हुए हैं, गुड़ है, चना है, लइया है और भी तमाम चीज़ें हैं जिसकी हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। ठीक, धन्यवाद।